हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंगलोर में अपने लिविंग कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कोई अपने मिनिमम बजट में बैंगलोर में सर्वाइव कर सकता है, या यूँ कहें कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आगे आपको इसकी डिटेल्स पता चलती जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, बैंगलोर अभी इंडिया में टॉप 4 महंगे शहरों में से एक है। तो आप यहां पर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ये हमारे वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। हालांकि बैंगलोर की सभी एरियाज इतने महंगे नहीं है, ये जो ऑफिस वाले एरियाज है ये थोड़ी सी महंगे रहते हैं। तो आप यहां पर कैसे अपने खर्चे बचा सकते हैं वो इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। तो आपने अगर हमारी फ्लैट खोजने वाली वीडियो या फिर पीजी खोजने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको खर्चे आने वाले हैं ट्रैवलिंग में और लिविंग में। तो पहले ट्रैवलिंग के बारे में आपको बता दूं कि आप बस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। बस यहां पर काफ़ी सस्ते हैं। तो अगर आप बस पास बनवाते हैं एक दिन का, तो पास आपको कुछ इस टाइप का दिखता है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस टाइप का पास आपको एक दिन के लिए वैलिड होता है। ये इसकी कॉस्ट 70 रुपीज की आती है और इससे आप अनलिमिटेड कोई भी नॉन एसी बसेस में आप शहर के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इससे आप अपने खर्चे बचा सकते हैं। और ऐसे अगर पास आप नहीं भी बनाते हैं तो यहाँ पर ट्रैवलिंग मतलब बस की फेयर्स उतनी महंगे नहीं है, तो आप बस से कम्यूट कर सकते हैं। हालांकि बस में थोड़ी सी टाइम ज़्यादा जाता है, लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हैं खर्चे के हिसाब से। तो चलिए उसके बाद लिविंग कॉस्ट पे आते हैं। तो लिविंग कॉस्ट को कम करने के लिए आप कुछ ऐसे सामानों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बहुत सस्ते दाम पे अवेलेबल है इंटरनेट पे, या ऑफलाइन भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो जैसे कि आपको अलमारी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको शू रैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर डिस्पेंसर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, डोर मैट्स की ज़रूरत पड़ेंगे, मैट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, पिल्लो की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके की चीज़ें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मैं किस तरह की चीज़ें यूज़ करता हूँ अपने खर्चे बचाने के लिए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कोलैप्सिबल वार्डरोब है गाइस। इसमें आपको अलमारी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें मैंने बुक्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल है। और यहाँ पर लैपटॉप वगैरह भी है, तो लैपटॉप को काफ़ी वेट ये स्टैंड कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी है गाइस, ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की है, तो आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूसरी चीज़ हमारे लिस्ट पर है ये मैट्रेस। तो आप ये मैट्रेस देख पा रहे होंगे, ये क्वीन साइज़ की है। ये मैंने लोकल शॉप से ख़रीदा है, ये मुझे 1800 की पड़ी है। तो आप भी इस तरीके के मैट्रेस ले सकते हैं और आप अपने खर्चे बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारे इस लिस्ट पे है स्टडी टेबल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छोटी सी स्टडी टेबल है, इसे आप लैपटॉप या फिर स्टडी टेबल के रूप पे यूज़ कर सकते हैं। और यह फोल्डेबल है, काफ़ी पोर्टेबल है ये, आप इसे फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे ये अच्छी फिनिशिंग की है, और ये मैंने लोकल शॉप से ली है, 350 की पड़ी मुझे। आप अगर कर्टन्स लेना चाहते हैं तो इस तरीके की कर्टन मैंने ली हुई है, ये मैंने कमर्शियल स्ट्रीट से बाई किया है। ये लगभग मुझे 150 रुपीज़ की पड़ी है। तो आप कमर्शियल मार्केट जा सकते हैं, इस तरीके के बेडशीट, कर्टन्स और बाकी सारे चीज़ें लेने के लिए। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है गाइस, देख पा रहे होंगे आप। आप इस तरीके के शू रैक ले सकते हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, और ये काफ़ी हल्की है और आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट अराउंड 300 की पड़ी थी मुझे, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। आप डेली यूज़ के सामान के लिए डीमार्ट जा सकते हैं, जहां पर आप सोप्स और डिटर्जेंट्स, इस तरीके के आयरन ले सकते हैं। अगर आपकी ऑफिस में फॉर्मल अटायर फॉलो किया जाता है तो आप आयरन वगैरह ले सकते हैं। और मैं प्रीफर करता हूँ खाने की चीज़ें वगैरह मैं डीमार्ट से ही लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बाय वन गेट वन ऑफर भी चलता है काफ़ी समय। और इस तरीके की कंटेनर भी मैंने डीमार्ट से ही सारे लिए हुए हैं।
और इस तरीके की डस्टबिन भी आप वहाँ से ले सकते हैं काफ़ी सस्ते में। और ये सामान वगैरह रखने के लिए मैंने लिया है, ये वाटर डिस्पेंसर है, ये मैंने लोकल लोकल वेंडर से कॉन्टेक्ट करके ये लिया है। और इस तरीके किचन टावल आपको मिल जाती है 15 रुपीज़ में डीमार्ट में। और ये अगर मैं गैस स्टोव और सिलेंडर की बात करूं तो ये मैंने लोकल शॉप से लिया हुआ है, ये मुझे लगभग 4,400 की पड़ी थी। तो आप ऐसे लोकल वेंडर से बात करके बारगेनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो देख रहे होंगे गाइस, ये बर्तन मैंने काफ़ी कम रखा है, जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही। और राशन का सामान भी मैं काफ़ी कम रखता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इस सब चीज़ों की। स्टील की जितने सारी बर्तन हैं, जैसे ये कुकर हो गया, ये प्लेट्स हो गई, ये कटोरियाँ हो गई, ये रोटी सेकने की जो जाली है, और कढ़ाई, ये पतीला, ये तावा मैंने सारा लोकल शॉप से लिया है। यहाँ तक कि ये चकला बेलन भी मैंने लोकल शॉप से लिया है। और मैं प्रीफर करता हूँ डीमार्ट से आप स्टील्स की सामान ना लें, वहाँ थोड़ी सी महंगी है। और ये जो प्लास्टिक की कटोरियाँ हैं और लंच बॉक्स है, ये मैंने डीमार्ट से लिया हुआ है, वहाँ प्लास्टिक की चीज़ें काफ़ी सस्ती है। तो देखा आपने गाइस, इस टाइप की चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ अपने खर्चे बचाने के लिए। तो आप भी इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपने खर्चे बचाने के लिए, डेली यूज़ के खर्चे। और बिलीव मी गाइस, इस तरीके की आप खर्चे बचा करके एक बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं आप अपने सेविंग्स में। तो और भी इस तरीके की और भी जैसे ज़रूरत के सामान हो गए हैं, सब्जियां वगैरह, आप लोकल वेंडर से जाके खरीद सकते हैं। यहाँ पर लोकल वेंडर से अगर आप सब्जियां वगैरह खरीदते हैं तो काफ़ी सस्ते रेट्स में आपको अवेलेबल हो जाती है। और ये अगर आप हरी हरी वेजिटेबल्स वगैरह प्रीफर करते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिलती है। और अगर आप राशन के सामान की बात करें तो राशन के सामान आपको डीमार्ट में सबसे सस्ते मिल जाएंगे। और एक बात और बता दूं डीमार्ट के बारे में आपको, अगर कोई सामान बाय वन गेट वन ऑफर पे लगी हुई है तो अगर आप एक सामान भी खरीदते हो तो आपको 50% रेट पे अवेलेबल है, जैसा कि बाकी स्टोर्स पे नहीं है। और जितने भी मैंने ऑनलाइन चीज़ें ली है वो सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं और वो सब अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहें और देखते रहें हमारे इस वीडियोस को। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।